गाइस, क्या हाल है यार? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा लाइफ में आपके। मैं फिर से पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूँ, ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये ध्यान रखना। तो इसका एक एक कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको पार्सिंग का और कंपाइलर डिजाइन, जितने भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, एक एक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे की वीडियो देख के आओ इसको, तब भी, क्योंकि पीछे की वीडियो देख के आओगे तभी जो मैं आज चार बताने वाला हूँ ना आपको, LR0, SLR, LLR एंड CLR, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लो। इन चारों सेक्शन से मैं आपसे बता दे रहा हूँ, फिर दो क्वेश्चन इसको पूछना ही पूछना है। वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा इसमें। इसलिए ये जो भी 40, 45 मिनट, 50 मिनट, एक घंटे का लेक्चर होने वाला है, चारों में जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ और बहुत समझने वाले कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे आप ये सोचोगे हल्के से मैं समझ लूंगा, हल्का ध्यान लगा के, इधर भी उधर भी लगा के ध्यान समझ लूंगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो पूरा एक घंटा आपको यहां पर देना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए एक घंटे के लिए आप सब कुछ छोड़ दो और यहीं पे रहो और पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझो, और मेरी जो भाषा में, मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ, उड़ा दो इसको। ठीक है, तो उसको उड़ा के ही जाओ और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओ। ठीक, ये मेरा यहाँ पे मुद्दा और यहीं पे है कि आपको परफॉर्म वहाँ पे अच्छा करना है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि इससे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर, फिर से बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे हैं, 20 से 25 नंबर, मतलब पास 33 या 34 मार्क होता है, 20-25 नंबर अगर आप पार्सिंग इस लेक्चर से सिर्फ पा रहे हो, सिर्फ एक घंटे के लेक्चर से पा रहे हो, क्या जा रहा है यार देखने में पूरा। ठीक है, वीडियो पूरा देखो, मजे करो, शेयर करो। ठीक, चलते हैं आगे। तो लास्ट टाइम हमने बताया था आपको, टॉप डाउन की बात की थी कंपाइलर डिजाइन में, पार्सिंग की बात हो रही है हमारी सिंटैक्स एनालिसिस में। लास्ट टाइम मैंने किसकी बात की थी, टॉप डाउन पार्सर की बात की थी, जहां पे हमने किसकी LL1 की बात की थी। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो बॉटम अप पार्सर होगी। ठीक है, जितने भी हम पार्सर की बात करेंगे, अब कौन से पार्सर होंगे, वो बॉटम अप पार्सर। अब यहां पर मुझे क्या कौन कौन सी बात करनी है, पहले तो मैं LR0 की बात करूंगा, फिर SLR की बात करूंगा, SLR1, फिर CLR1 की बात करूंगा, फिर LLR की बात करूंगा। ये हमें बात करना है, ध्यान से देखना। अब LR0 को मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपको LR0, ये एक तरीके से समझो कि आपको LR0 आ रहा है, तब SLR1 पे आपको, तभी आप उस पे जा सकते हो, क्योंकि इसके लिए इसको आना जरूरी है। और SLR1 के लिए आपको SLR1, तो ये दोनों मान लो एक कनेक्टेड है, लेकिन LR0 ही आपको आ रहा है, तब आप CLR कर सकते हो, ये LR1 में आते हैं। ठीक है, कैनोनिकल आइटम्स मैंने बताया था, तो LR1 में ये आते हैं दोनों। तो LR0 को ही करोगे तभी LR1 में आप पहुंचोगे, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लुक अहेड जो होता है वो बताऊंगा मैं, वो ऐड कर देता है। बस LR1 की अगर मैं कहानी बोलूं आपको, LR0 प्लस लुक अहेड। अब ये लुक अहेड क्या होता है, ये मैं जब इसकी बात करूंगा CLR1 की, तब बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं LR0 कैसे इसका पार्सिंग टेबल बनाते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मेनली क्या होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना, कोई भी हमें ग्रामर दिया हुआ है, कैसे हम राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई करके राइट मोस्ट, जो हमें राइट मोस्ट साइड पे जाना है उसके कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं LR0 की, कैसे इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कैसे क्या करना है, वो यहां पर देखते हैं। फिर SLR की बात करेंगे, उसका पार्सिंग टेबल बनाएंगे, फिर CLR की बात करेंगे, फिर LLR की बात करेंगे। इन समझ लो इस चार सेक्शन से पूछना है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको उड़ाना है हमें। ठीक है, तो उड़ाते हैं एकदम धुएं के तरीके इसको, कर देते हैं। ठीक, चलते हैं। अब हमारे पास देखो LR0 का पार्सिंग टेबल कैसे बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में अगर दिक्कत होती है तो बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यार से समझाऊंगा धीरे धीरे। LR0 पार्सर को
जैसे हमने LL1 की बात की थी, तो LL1 में क्या किया था, यहां से सीधे हमें पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हमने इसका एक स्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया, सीधे आए हम इसका एक टेबल बनाया, तो क्या यहां पे जा रहा था फॉलो फर्स्ट कैसे निकालना था, वहां से हमने LL1 का टेबल बनाया था। लेकिन यहां पर जब हम LR0 की बात करते हैं, LR0 पार्सर की बात करते हैं, तो LR0 पार्सर में हमें एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को ऐड करना होता है। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि वो का है जय एस को ले सकता हूं, चाहे ई है तो ई ले सकता हूं, एस जो हमें ऑगमेंटेड प्रोडक्शन मतलब ये जो हमें ग्रामर दिया हुआ है, इस ग्रामर में फाइनलाइज करने के लिए उस प्रोडक्शन को हम यूज करते हैं। ये कैसे हम फाइनलाइज टेबल को कैसे फाइनलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाना है और राइट हैंड डेरिवेशन का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड जो नई चीज है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, ऑगमेंटेड ग्रामर, ठीक है, जब आप उसमें ऑटोमेटा में पढ़े होंगे तो आप वो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का यूज करते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 और 3, ऐसे में बात करूं तो 1, 2, 3 प्रोडक्शन दिख रहा है, लेकिन मुझे एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का यूज करना होता है किसके साथ, डॉट के साथ। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, मैंने कहा वो ईडेस अपने से मान रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना, वो आप ले सकते हो, वो मैं डॉट ई लिया इसके स्टार्टिंग टर्मिनल से, सॉरी नॉन टर्मिनल से, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसपे मुझे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप किसका क्या होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन हमें ऐड करना होता है, सबसे पहला स्टेप इसका LR0 का ये होता है, ठीक है। इस LR0 जो भी हमें ग्रामर दिया हुआ है, सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करो। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसे इसका स्टेप वाइज प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अब इस ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को अभी यहां पे डॉट नहीं, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन मैंने यूज कर दिया, ठीक है, यहां पे मैंने ऐड कर दिया। अब ये हमारा एक टोटल हमने ग्रामर क्रिएट किया, इससे हमें क्या करना है, ये हमें इसका पार्सिंग टेबल, LR0 पार्सिंग टेबल क्रिएट करना है, लॉन्ग करना है कि हाँ LR0 पार्सिंग टेबल इसकी क्या होगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब हमें चलना है इसको लेकर, तो ध्यान देना, सबसे पहले जो हमने यूज किया है, जो हमने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन यूज किया, जो हमने ऐड किया हुआ है, उस ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को हम सबसे पहले स्टेप पे लेते हैं। ध्यान से सुनो, इक्वल मैंने लगाया था, ठीक है। अब इस ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को जब हम लिख रहे हैं, तो ध्यान देना, जिस ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को जब हमने लिया है, तो लेफ्ट हैंड मोस्ट साइड पर हम डॉट रखते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसका रूल है, ध्यान दिए रहना, ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, ये रूल है। अब इस डॉट का मतलब क्या होता है, इस डॉट का मतलब ये है कि मैं इस ऑगमेंटेड प्रोडक्शन में जब ई की बात कर रहा हूं, तो ई के सारे टर्मिनल और जितने इसके नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन थे, मैंने उनको देखा। अगर डॉट के ये राइट साइड में है तो नहीं देखा, अगर ये डॉट के लेफ्ट साइड में है तब मैंने देख लिया है। मतलब डॉट की अगर राइट साइड में ई है तो मैंने इसके प्रोडक्शन को नहीं देखा है, ध्यान से समझना, इस डॉट के ये राइट साइड में, मतलब ई को हमने नहीं देखा। तो फाइनलाइज कैसे करना है, फाइनलाइज इसको वैसे करना है जब ये ई का सबसे राइट हैंड मोस्ट पे चला जाए, तब हम राइट साइड मोस्ट पे चला जाए, तब हम समझेंगे कि ये फाइनलाइज हो गया, इसका रोल बोल रहा है। और ध्यान देना, और अगर इस डॉट के बाद, इस डॉट के जस्ट साइड में, राइट साइड में अगर आपको नॉन टर्मिनल मतलब वेरिएबल मिल रहा है, तो देखना आपको ये है कि वेरिएबल क्या, कौन सा किससे अटैच्ड है, वो रूल के अकॉर्डिंग में देखता हूं। जब से मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ई डैश टू डॉट ई किया, ठीक है। अब डॉट ई करने के बाद, डॉट के बाद क्या मिल रहा है हमें, डॉट के बाद देखो, डॉट के बाद हमें क्या मिला, डॉट के बाद ई मिला। ई क्या है, नॉन टर्मिनल है, वेरिएबल है। अब यहां पर हम गए, जब ई पे गए, तो ई पे, ई के साथ भी वही कहानी हुई, ई किस पे जा रहा है, टी टी पे जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रोडक्ट से, इसी ग्रामर में स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करना है। ध्यान देना, अगर आपको LR0 समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ई को भी हम क्या करेंगे, क्योंकि डॉट के बाद क्या है, डॉट के बाद क्या है,
डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल जैसे ई है, तो यहां देखो ई क्या दे रहा है, टीटी दे रहा है, तो ई के बाद सीधे हम कहां पे गए, टीटी पे गए। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या होता है, डॉट को सबसे लेफ्ट हैंड मोस्ट साइड पर रखना। अब देखना है कि डॉट के बाद क्या मुझे फिर से नॉन टर्मिनल मिला, तो डॉट के बाद मैं देख रहा हूं फिर से नॉन टर्मिनल मिला, मतलब वेरिएबल मिला, टी मिल रहा है। अगर यहां पे टर्मिनल मिला होता कोई तो हम छोड़ देते यहां पर, कहानी खत्म थी। लेकिन देख रहे हैं डॉट के बाद फिर से क्या मिला, ये स्ट्रक्चर वहीं पे बंद हो जाता, लेकिन देख रहे हैं ये सेट वहीं पे बंद हो जाता, लेकिन देख रहे हैं कि यार डॉट के बाद फिर से कोई नॉन टर्मिनल मिल रहा है, तो नॉन टर्मिनल से हमें टी मिला। फिर से हम अपने ग्रामर पे जाते हैं, देखते हैं टी है क्या, तो टी के पास गए, तो टी के पास जैसे ही जाते हैं देखते हैं फिर हम क्या लेंगे, सबसे पहला प्रोडक्शन इसका क्या आया, डॉट एटी। अब देखते हैं डॉट के बाद क्या मिल रहा है, फिर डॉट के बाद देखा तो हमने टर्मिनल मिला, टर्मिनल मिला मतलब यहां पर इसकी क्या हुई, कहानी खत्म हुई। फिर थर्ड प्रोडक्शन को भी लिखा तो टी क्या के बाद क्या है, डॉट भी आया। फिर इसके बाद डॉट के बाद देखा तो फिर से टर्मिनल मिला, मतलब ये पहला सेट हमारा क्रिएट स्ट्रक्चर का। सेम सिचुएशन हमें सबके, अब स्ट्रक्चर इससे मुझे बनाना है क्योंकि इसको मुझे फाइनलाइज करना है, इसको लास्ट मोस्ट लेफ्ट सीधा राइट हैंड मोस्ट साइड पर जाना है, तब हमारा जाके ये फाइनलाइज हो। मेरी बात समझ रहे हो ना। सबसे पहले तो जब यहां पे नॉन टर्मिनल पर नॉन टर्मिनल रहेगा तो हमारा सेट चलता रहेगा, जैसे टर्मिनल की कहानी आएगी वैसे हमारा सेट वहीं पर स्टॉप कर जाएगा। अब देखो यहां पे क्योंकि मुझे फाइनलाइज करना है, अब मैं यहां से ई डैश पे ई से, ये फर्स्ट कहानी में फिर ई पे मूव करता हूं, इस पे मूव करता हूं, ई से मूव कर रहा हूं। अगर मैं ई से, अब मुझे चारों पे अलग अलग करना है, अलग अलग इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब जैसे ई डैश से मैं डॉट ई था, अब ई को क्योंकि उस डॉट को मुझे लगाना है, ई के बाहर करना है, तो मैं ई मूव करूंगा तब ये डॉट के उधर जाएगा। तो जब ये डॉट को उधर ले जाना है कि तो फाइनलाइज करना है, राइट हैंड मोस्ट साइड पे ले जाना है, तो मैं ई डैश सबसे पहले क्या करूंगा, ई डॉट पे करूंगा जब मैंने ई के किया। अब देखो यहां पर ये फाइनल हो गया, ई डॉट फाइनल हो गया। अब इसके बाद कोई कहानी है क्या, इसके बाद डॉट के बाद कुछ बच रहा है ना, कोई टर्मिनल ना कोई नॉन टर्मिनल, तो मतलब दूसरा सेट हमारा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। चलते हैं हम तीसरे पर। अब यहां पे ऐसे मैं आई नॉट बोल देता हूं इसको, इसको आई वन बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो हो गए, अब तीसरे की बात कर रहा मैं, तीसरे की बात कर रहा। अब यहां पे मैं देखो, यहां पे मुझे टी के साइड में जाने के लिए इस डॉट को मुझे क्या टी मूव करना पड़ेगा, क्या टी मूव जैसे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ई किस पर जाएगा, टी डॉट टी पर जाएगा। मतलब मैंने टी को देख लिया, इस वाले टी को देखा, अब इस वाले को नहीं देखा, डबल टी था यहां पर, ये क्या है। लेकिन डॉट के बाद हमें फिर से क्या मिल गया, फिर से कोई नॉन टर्मिनल मिल गया, फिर से कोई वेरिएबल मिल गया। तो अब देखना है कि ये टी कहां पे है, इस टी के साथ क्या क्या है, तो फिर से देख रहे हो कि टी के साथ क्या है, डॉट एटी है, वो हमें लिख देना है। फिर डी के साथ क्या है, डॉट बी है, वो हमें लिख देना है। ये हमारा नेक्स्ट इसका सेट क्रिएट हुआ, आई थ्री जिसको हमने किया, क्योंकि यहां पे टर्मिनल हमें जिस मूव पे हम गए हैं उस मूव को ही देखना है। मैंने टी मूव इससे लिया है तो टी मूव को ही देखना है, आप इसमें नहीं करने लगे। अब यहां पे मैं टी के बाद ए का है, क्योंकि ए को मुझे देखना है तो ए मूव करूंगा, तो मैं यहां पे तीसरा सेट मैं ए के साथ करता हूं, जो नेक्स्ट हमारा सेट है। जब मैंने ए मूव किया तो इसने टी के साथ क्या कहानी की, ए डॉट टी किया। फिर से मैं डॉट के बाद देख रहा हूं तो क्या मुझे मिल गया, फिर से कोई नॉन टर्मिनल मिल गया। देखता ही नॉन टर्मिनल मिला तो मतलब टी की कहानी कहां गई, फिर से देखो जैसे ही नॉन टर्मिनल इसके डॉट टी के साथ गया, टी की कहानी है डॉट ए टी और डॉट बी पे। ध्यान से देखो, ए डॉट टी गया तो टी की कहानी फिर से हमें कहां मिली, टी की कहानी किस पे, ए डॉट टी थी, तो टी की कहानी हमें कहां मिली, कोई इसका क्या नॉन टर्मिनल है, टी की कहानी क्या मिली, डॉट ए टी, टी डॉट बी। ध्यान से देख रहे हो, ये हमारा आई फोर। अब आते हैं हम किस पर, बी पर, बी मूव करते हैं। जैसे हमने बी मूव किया, जब हम इसकी बी मूव की कहानी देख रहे हैं, तो बी मूव की कहानी के बाद देख रहे हैं क्या हुआ, बी सीधे चला गया डॉट पे, और उसके बाद डॉट के बाद इसका कुछ नहीं मिला। तो दो फाइनलाइज हमारे पास सेट मिल गए, एक तो ई डैश ई, ये यहां डॉट के बाद कोई कहानी नहीं, ये डॉट के बाद कोई कहानी नहीं, मतलब यहां यहां इन दोनों को देख लिया, लेकिन आई थ्री और आई फोर में अभी कहानी बाकी है। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, चलते हैं फिर से मुझे इसको टी डैश पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी मूव ले जाना पड़ेगा,
जैसे मैं ई को टी मूव ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, ये टी टी डैश हो जाएगा, अब टी टी डॉट हो जाएगा। क्या टी टी के बाद अब कुछ है इसके बाद? नहीं है, मतलब कहानी यहां पर क्या हो गई, खत्म। क्या आ गया ये आई फाइव आ गया, ठीक। अब देखो स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करने में ही कहानी है। अब यहां पे, अब मैं यहां पे जैसे कहानी करता हूं इसकी, मैंने ए मूव ले गया, ध्यान से देखना है, यहां पर अब कहानी कुछ अलग होने वाली है। जब मैं इस पे ए मूव ले जा रहा हूं तो क्या कहानी वही हो जा रही है क्या, टी ए डॉट टी, फिर टी डॉट ए टी, फिर टी डॉट बी, सेम। देखो ये सेट क्या यही सेट है क्या, सेम यही सेट है क्या? तो मुझे यहां पर कोई दूसरा सेट नहीं बनाना, क्योंकि ये सेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस ए मूव को यहां पर ला देंगे और सीधे कहेंगे भाई ए मूव मेरा आई फोर से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अब मेरा ए मूव आई फोर से ही बिलोंग कर रहा है, अब टी बी डॉट पे भी जब डॉट बी पे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, टी बी डॉट होगा, बी डॉट की कहानी ये देखो ना, ये क्या है हमारे पास आई फाइव, सॉरी ये आई फाइव था, ये आई सिक्स था, ठीक है। यहां देखो क्या B डॉट है क्या, B डॉट है क्या, तो मतलब यहां पे जब हम B की कहानी करेंगे तो ये देखो ये B पे आ गया, B की कहानी करने के बाद ये B डॉट पे आ गया, मतलब ये सेट पूरा क्रिएट हो गया यहां पर, ठीक। अब हम चलते, इसकी कहानी खत्म हो गई, ये भी यहां पर पूरा इसका क्लियर हो गया। आते हैं आई फोर पर, आई फोर पर जैसे ही चले, टी की बात किया, टी की बात जैसे ही किया हमने, ए टी डैश ए टी डॉट आया, ए टी डॉट आया, चले इस पर चलते हैं। अब देखो अब मुझे क्या करना है, टी मूव ले जाना है, टी मूव ले जाना है। अब जैसे ही हम आई फोर की बात कर रहे हैं, इस पर हम टी मूव ले गए तो टी की बात कहां किया, ए टी डॉट आया। ध्यान से देखना अभी कहीं पे ये और आपको दिख रहा है क्या, अब डॉट के बाद कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कहां पे गया, एटी डॉट। अब डॉट के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कहानी खत्म। अब फिर चलते हैं, अब सेकंड वाला मैंने ए मूव कराया, देखते क्या मिल रहा है। जैसे मैंने ए मूव कराया, इसको जैसे ए मूव कराया तो क्या मिला, ए डॉट टी, फिर वही कहानी, ए डॉट टी फिर आ गया, फिर यही यही बन रहा है कि नहीं, सेम। अगर मैं ए डॉट टी करूंगा फिर टी ए डॉट ए टी, फिर टी डॉट बी, देखो सेम है क्या ये, मतलब ये सेल्फ मूव कर रहा है, सेल्फ मूव मतलब मैं अगर ए मूव करा रहा हूं, सेल्फ मूव आ रहा है, खुद पे ही आके गिर रहा है, ठीक है। तो ए मूव और बी डॉट पे कहानी जा रहा है, फिर ये इस पर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, कहानी अब मेरी क्या हुई, खत्म हुई, मुझे फाइनलाइज आंसर मिला। फाइनलाइज मतलब ये एक तो ये आई नॉट आई वन, ये आई टू है, ये आई थ्री है, ये आई फोर है, ये आई फाइव है, ये आई सिक्स है, ठीक है, टोटल सिक्स। मेनली समझ लो एल आर जीरो में, जो भी आप सी एल आर एस एल आर एल एल आर पढ़ोगे, सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना। अगर ये स्ट्रक्चर बन गया ना, तो आपके लिए पार्सिंग टेबल बनाना सबसे आसान होगा, मतलब 75-80% कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, उसके बाद की कहानी कठिन नहीं है। ये स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बस हमें देखना है कि कौन सा मूव कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन सा मूव कौन कहां पे जा रहा है, किस सेट से कहां पे जा रहा है, और कौन सा मूव हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसकी बात की, देखो ये हमें फाइनलाइज आंसर एक दो और ये टी टी डॉट ये भी मिल गया, और ये जो हमारे ये थे जितने प्रोडक्शन थे सबके मुझे आंसर मिल गए। एक तो ये मिला, ये जो ना मैं ये ऐड किया ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का फाइनलाइज, और इसी फाइनलाइज के बाद मुझे ये बी डैश बी डॉट भी मिल गया, एटी डॉट भी मिल गया, और टीटी डॉट भी मिला। मेरा डॉट जो है वो राइट हैंड मोस्ट साइड पे चला गया, मेरी बात समझ रहे हो क्या। अब मुझे यही इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए पार्सिंग टेबल को बनाना है कि क्या कैसे क्रिएट हमने किया हुआ है। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हुआ जो हमने एल आर जीरो पार्सर के लिए बनाया इस ग्रामर को देखकर, ठीक है। अब चलते हैं, इसका पार्सिंग टेबल बनाते हैं। वीडियो पॉज करके ये पूरा स्ट्रक्चर आप फिर से शुरू शुरू से स्ट्रक्चर देखो, कि मैंने क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा झमेला हो गया है, तो स्ट्रक्चर देखकर पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके बाद सीधे पार्सिंग टेबल पे मैं चल रहा हूं, क्योंकि छोटा बोर्ड है, ये छोटा बोर्ड है तो ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें दिखेगा, पूरी पूरा स्पेस नहीं है, तो मैं अब सीधे पार्सिंग टेबल पे चलता हूं इसको हटा के, ठीक है। चलते हैं पार्सिंग टेबल, पार्सिंग टेबल बनाते हैं क्योंकि मेन कहानी यही थी। चलते हैं पार्सिंग टेबल बनाना, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले, ठीक। चलते हैं, मैं बनाऊंगा पार्सिंग टेबल इसका जो हमें ग्रामर दिया हुआ है। ध्यान देना,
अब यहां पर मुझे दो तरीके से, एक एक्शन दिख रहा है, एक गो टू दिख रहा है। एक्शन में हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल की, जो हमारे टर्मिनल थे ए था बी था, और एक डॉलर का यूज करते हैं, वो मैंने पहले बताया फर्स्ट एंड फॉलो में, वो वीडियो आपको पहले देख लेना है। तो डॉलर को हम टर्मिनल के अंदर रख रहे हैं, इसके डॉलर का रियल साइड है इसका, और गो टू में हम रखते हैं टर्मिनल को, सॉरी नॉन टर्मिनल को, जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल हमने यूज किया है ई और टी ग्रामर में, रियल ग्रामर हमने जो हमें जो दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर हमें कैसे क्रिएट करना है टेबल, और ये जो हमारा है 0 to 6, ये क्या है हमारा, हमने अपने पूरे स्ट्रक्चर में कितना क्रिएट किया, कितने सेट क्रिएट किए। तो देखो कि आप पूरा स्ट्रक्चर, जब आप अभी पीछे मैंने जो बताया स्ट्रक्चर में, मैं टोटल 6 से 7 सेट क्रिएट हुए, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ठीक है, टोटल 7 क्रिएट हुए स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर जितने 7 क्रिएट हुए, उन सेट के अकॉर्डिंग कौन सा मूव कहां पे जा रहा है वो आपको देखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैं भाई यहां पे बना नहीं पा सकता, छोटा बोर्ड है, तो मैं कॉपी में बनाया हुआ हूं, उस कॉपी को देखकर मैं यहां पर फेल करूंगा, और आप भी स्ट्रक्चर वो कॉपी में बनाए, मैं ये सोचकर ये वीडियो देकर बना रहा हूं आपको कि आपने वो स्ट्रक्चर कॉपी में बनाया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं बनाया हुआ तो स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे फालतू ऐसे देखकर मेहनत खराब होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो तो, ठीक है। चलते हैं, फिर उसको देखकर हम बनाते हैं कि कौन सा मूव कहां, आप भी उसको देखते रहो, देखो वो मूव वहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक। देखते हैं, देखो अगर मैं बात करूं आई नॉट की, ये जीरो है, इस जीरो से ये, अब जीरो से मैं पहले से गो टू, ये जितने हमारे नॉन टर्मिनल है, मैं अगर बात करूं जीरो से मैं ई पे जब मूव किया, तो जीरो से ई पे मूव करते ही मैं देख रहा हूं, जीरो से ई पे मूव किया तो मैं कहां पे गया, आई वन पे गया क्या, जैसे मैं जीरो से ई पे मूव किया तो मैं क्या किया था, ये हमारे पास था, हमने डॉट यहां पे लगाया था, यहां से ई मूव किया था, ई डॉट गया था तो आई वन पे गया था, गया था कि नहीं गया था, गया था कि नहीं गया था, जीरो से जब आई नॉट से मैं आई वन पे गया था, देखो पीछे देखो, और वही कहानी जब मैंने जीरो से टी मूव किया था तो मैं किस पे गया था, आई टू पे गया था, देखो पीछे जाके देखो अब स्ट्रक्चर में, मैं जीरो से जब टी मूव किया तो किस पे, आई टू पे गया। ये सिर्फ नॉन टर्मिनल की कहानी है जो नंबर भरने हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी टर्मिनल की, टर्मिनल की बात करूंगा तो यहाँ शिफ्ट और रिडक्शन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं, अभी आपको ये क्रिएट करना है, ठीक। अब मैं बात करता हूं किसकी, आई वन की, आई वन की कहानी बात करने से पहले ध्यान रखना, आई वन मेरा ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का फाइनलाइज आंसर है, तो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का फाइनलाइज आंसर में क्या होगा, जब ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ये ई डॉट है, ई डॉट का फाइनलाइज आंसर ई डॉट है, ये आई वन है, जब ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का फाइनलाइज आंसर आता है तो हमें इसमें कहीं नहीं कुछ करना है, क्योंकि फाइनल आंसर मिल गया है तो डॉलर के नीचे मुझे एक्सेप्ट लिख देना होगा, बस इसका कहानी खत्म। ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का क्या है, फाइनलाइज आंसर है, इसलिए मैंने इसके नीचे एक्सेप्ट लिख दिया डॉलर के नीचे, और मुझे कुछ नहीं, ठीक। चलते हैं आगे, अब मुझे आई टू की कहानी देखनी है, आई टू की कहानी में मैं देख रहा हूं, जैसे आई टू की कहानी में जब टी मूव कर रहा हूं तो टी मूव करते ही मैं पहुंच रहा हूं किस पे, आई फाइव पर। आई टू की कहानी में मैं देख रहा हूं, जैसे मैंने टी मूव किया वैसे मैं कहां पे पहुंच रहा हूं, सॉरी आई फाइव पर, मतलब पांचवे से, ठीक है। जैसे मैं आई टू से आई टी मूव किया तो आई फाइव पे पहुंचा, ई मूव तो उसमें है नहीं, और अब और भी कहानी है, ए वे की बात मैं बाद में करूंगा, अभी मैं सिर्फ नॉन टर्मिनल की बात कर रहा हूं। तो आई टू में नॉन टर्मिनल से टी का था तो वो आई फाइव पे गया, अब ठीक है। अब मैं चल रहा हूं आई थ्री पर, आई थ्री पर मैं देख रहा हूं कि आई थ्री वहां पर, तो देखो आई थ्री से भी मैंने क्या मूव किया है, टी मूव किया है, और टी मूव किया तो मुझे फाइनलाइज आंसर मिला है, क्योंकि जब यहां पर हम देख रहे हैं ए डॉट टी था, ए डॉट टी से मैं टी मूव किया, क्योंकि डॉट के बाद हमें टी मिला, नॉन टर्मिनल मिला, टी मूव किया तो ए टी डॉट मिला, तो कहां पे गए हम, आई सिक्स पे गया, तो सीधे कहानी कहां गई, सिक्स पे आ गई, और मुझे नहीं लगता कि और टर्मिनल मुझे मिले हैं, और पूरे मैंने सेट में देख लिया, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, कहीं पर नॉन टर्मिनल मुझे नहीं मिला। तो अब नॉन टर्मिनल की कहानी सिर्फ इतना था, मैंने क्या मूव किया, किस नंबर पे जाके मैं गिरा, वो मुझे नॉन टर्मिनल में भरना है, तो मैंने वो किया। अब स्ट्रक्चर में देखो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, गो टू मूव में ये किया। अब मैं आता हूं एक्शन में, अब एक्शन में क्या करना है, आपने जो यहां पर ये देखा है ना, ये 1 2 5 6 पर भरा है, वहां पर आपको शिफ्ट करके भरना है, आपने यहां से नॉन टर्मिनल से यहां पर शिफ्ट किया,
मतलब जो ये अगर यहां पर मैं 1 2 3 4 5 6 कर रहा हूं तो मैं जैसे यहां पर जो टर्मिनल की बात करूंगा तो यहां पर मैं शिफ्ट की बात करूंगा, जैसे S1 S2 S5 S6 की बात करूंगा। तो मैं बात करता हूं जब जीरो से, तो जीरो से देखता हूं तो जीरो से मैं ए मूव कर रहा हूं, तो जब आई नॉट से देख रहा हूं, आई नॉट से मैंने ए मूव किया तो मैं किस पे जाके गिरा, 3 पर। देखो आई नॉट से जब मैं ए मूव कर रहा हूं तो मैं किस पे जाके गया, आई 3 पर, मतलब तीसरे वाले पे तो गया, तो मतलब कहां गया, S3 मूव किया। मेरी बात ध्यान से सुनना। और जब मैं देख रहा हूं जीरो से बी मूव किया तो मैं कहां पे गया, S4 मूव किया। ठीक है, फर्स्ट में कोई कहानी नहीं, फर्स्ट में ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का फाइनलाइज आंसर है, छोड़ते हैं कहानी, चलते हैं I2 पर। I2 पर जैसे ही आया मैं यहां पर देख रहा हूं I2 पर भी कि जब मैंने ए मूव किया इस पर, ए मूव करते ही मैं कहां पे गिरा, I3 पर। जैसे ही मैं ए मूव किया कहानी कहां पे आगे गिरी, I3 पर। ए मूव किया तो मतलब S3 पर इस पे भी है। और जैसे ही मैंने बी मूव किया, इसका बी मूव करते ही मैं आगे गिरा किस पे, I4 पर। सेम कहानी इसके भी साथ हुई, सेम कहानी इसके भी साथ हुई जो मैंने पहले किया, ठीक, शिफ्ट मैंने वही किया हुआ है। अब चलते हैं किस पर, I3 से देखते हैं। अब मैं I3 की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां तक की कहानी थी शिफ्ट मैंने देख लिया, S3 और S4 पे आगे गिरा। अब मैं चल रहा हूं I3 पर, I3 से देख रहा हूं मैं, तो I3 से जब मैंने A मूव किया, I3 से A मूव किया तो फिर खुद पे ही आगे गिरा, देखो स्ट्रक्चर में, तो मैं कहां पे गया, S3 पर गया, फिर से खुद पे ही आगे गिर गया, Shift 3। और जैसे मैं I3 से B मूव किया कहां पे जाके गिरा, S4 पे जाके। देखना कहानी पीछे, ये पूरा मेरे पास है, पूरा टर्मिनल ये मैंने बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो पीछे की वीडियो पॉज करके देखते रहे, नहीं मैं कट करके उतना लगा दूंगा आपको। ठीक है, ये था कहानी। ठीक, अब देखोगे S3 S4 पे गया, अब हम चलते हैं किस पे, I4 पर। I4 पर हमें फाइनलाइज आंसर मिला है, I5 पर हमें फाइनलाइज आंसर मिला है, I6 पर हमें फाइनलाइज आंसर मिला है, हमने कोई मूव नहीं लिया है उसके। ठीक है, अब चलते हैं, ये थी हमारी स्विफ्ट की कहानी। अब हमें रिडक्शन फॉर्म कैसे यूज करना है इस पूरे LR0 पार्सर में, LR0 पार्सिंग में, ठीक है, और भी आगे की पार्सिंग में कैसे यूज करना है। ठीक है, चलते हैं। चलो अब मैं बात करता हूं प्रोडक्शन की। यहां से देखो, अब मैं अपने रियल ग्रामर पे आता हूं, तो रियल ग्रामर हमें क्या मिला था, तो फर्स्ट प्रोडक्शन इसका यह था, सेकेंड प्रोडक्शन यह था, थर्ड प्रोडक्शन यह था। अब मैं यहां से रिडक्शन इसका यूज करूंगा, जहां पर मैं R1, R2, R3, तो ध्यान देना यहां पर मुझे क्या, रिडक्शन का मतलब क्या है, बॉटम अप पार्सर का यूज कर रहे हैं। मतलब मैंने कहा कि अगर T से B बना हुआ है तो इस B के फॉर्म से ही T क्या हुआ होगा, बना होगा। मतलब अगर मैं बी बी प्लस करूं तो टी ऐसे क्रिएट होके मुझे मिल रहा है, मतलब इसको रिड्यूस किया तब मुझे टी मिला। तो ऐसे मैं अब देख रहा हूं I4 मेरा क्या था, I4 अगर मैं देखूं, I4 में वहां पे देख रहा हूं, तो I4 की कहानी जब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या मिला है, टी बी डॉट मिला है, मतलब यही है I4। I4 की जब बी डॉट की कहानी आई तो मैं इस पे बात कर रहा, यहां पे देख रहा कौन सा प्रोडक्शन है, थर्ड प्रोडक्शन, रिड्यूस किया उसने R3 R3 सम में भर दिया, ये है कहानी बस। ऐसे I5 में चलो, I5 की कहानी क्या है, मैं देख रहा हूं I5 में जब मैंने देखा तो I5 में मुझे मिला है ETT-Dash। TT-Dash कौन सा है, फर्स्ट प्रोडक्शन, पूरा भर दो यार, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है, R1 R1 R1, ये रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस करके फॉर्म यहां पे भरा जा रहा है। I6 की बात करते हैं, I6 में क्या मिला, T80 डॉट, ये क्या है, सेकेंड प्रोडक्शन, भर दो पूरे R2 R2 R2। ये है हमारा LR0 का पार्सिंग टेबल। बताना जरा मुझे कितना कठिन था ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या ये आपको पार्सिंग टेबल बनाना, कुछ नहीं है इसमें, बच्चों को बहुत ज्यादा ये हाइपर लगता है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है LR0 और CLR मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे SLR की भी कहानी होगी, SLR भी मैं इसी में बता दे रहा हूं। ठीक है, इसी यही एग्जांपल के ऊपर SLR भी बता दे रहा हूं कि इस पार्सिंग टेबल में क्या चेंजेस होगा SLR, ठीक है, यही बता दे रहा हूं। तो ये LR0 की कहानी थी, LR0 का पार्सिंग टेबल था, ऐसे आपको LR0 का पार्सिंग टेबल बनाना है। अब SLR में क्या चेंजेस होगा, थोड़ा सा SLR की बात कर लेता हूं। अब मैं यहीं पे SLR की बात करता हूं इसी एग्जांपल के साथ। देखो SLR में क्या होगा, आप कहते हैं SLR की, SLR में कहानी सिर्फ इतनी होगी जो हम LR में कहानी, ये SLR 1 में कहानी सिर्फ इतनी होगी, हम सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर्म को यूज करेंगे। LR में क्या किया, देखा हमने कि प्रोडक्शन रूल हमने अप्लाई किया
प्रोडक्शन रूल हमने अप्लाई मतलब अलग अलग प्रोडक्शन में हमने रिडक्शन रूल रिडक्शन फॉर्म किसका R3 फिल कर दिया, R1 फिल कर दिया, R2 फिल कर दिया, ठीक है। अब हम SLR में चेंजेस सिर्फ यहां पर होंगे। अब यहां पर चेंजेस कैसे हो सकते हैं, ध्यान देना, जो हमने रिडक्शन फॉर्म देखा है ना, जब इसका फाइनलाइज फॉर्म किसी भी सेट में मिल जाए, SLR की बात कर रहा हूं, आप स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखोगे तो जिसमें हमें फाइनलाइज फॉर्म मिल रहा है, यहां पे आप इसकी इस ग्रामर की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो हमें ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की फाइनलाइज फॉर्म की छोड़ दे, क्योंकि एक्सेप्ट यहां पे हमने लिख दिया है I4 I5 एंड I6 में हमें फाइनलाइज फॉर्म मिल रहा है, तो हम वहां पर ही हम क्या करेंगे, रिडक्शन फॉर्म का यूज करते हैं, और रिडक्शन और सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर्म का यूज करते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर्म के नो चेंजेस इन शिफ्ट, शिफ्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ रिडक्शन में चेंजेस आएगा। रिड्यूस कैसे किया है हमने चीजों को और कहां पर हमें फिल करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें अलग अलग प्रोडक्शन का फॉलो निकालना होता है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो हमारे पास तीन प्रोडक्शन है, तीन प्रोडक्शन में कौन है यहां पर, एक तो ETTT है और एक EAT है और एक EB है, ठीक है। अब मुझे फरी एक PAT है और TB, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, E और T का क्या निकालना है, फॉलो निकालना है। ध्यान से देखना, फॉलो निकालना और फर्स्ट निकालना मैंने पहले ही बताया हुआ। अब फॉलो निकालकर क्या करना है, पहले तो रिडक्शन को हटा देना है, वो LR0 का था, LR0 में हम पूरे में भर देते थे, लेकिन यहां पर ऐसी कहानी नहीं होगी, हमें सेलेक्टिव में जो इसका फॉलो होगा वहां पर उस रिडक्शन के प्रोडक्शन का हम भर देंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो जब हम फर्स्ट इसका फॉलो ऑफ ई निकालते हैं तो फॉलो ऑफ ई क्या होगा, सबसे पहले तो डॉलर होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है। स्टार्टिंग सिंबल की जैसे ही बात करते हैं, स्टार्टिंग सिंबल में सबसे फॉलो ऑफ इसका क्या आएगा, स्टार्ट में ही मैंने बताया था, जब स्टार्टिंग सिंबल की बात करें, स्टार्टिंग कोई टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल ही होगा, तो नॉन टर्मिनल हम क्या करते हैं, डॉलर आता है, तो इसका फर्स्ट तो इसका डॉलर होगा। डॉलर में हम क्या करते हैं, कौन सा रिडक्शन है वो कौन सा प्रोडक्शन है, R1, तो डॉलर के अंदर हम क्या भर देंगे। अब ये ध्यान देना, ये ETT, ये देखो ये कौन से सेट में था, कौन से सेट में था, ये भी हमें देखना है। ETT-EAT-EBT-TB- तो TB- की बात करूंगा तो ये तो हमारा 4 में था, ये हमारा 4 था, और ETT-ETT- हमारा 5 था, ये I5 में था, ये I4 में था, और ये I6 में था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भरना है। अब मैं बात करूंगा ये किस में था, I5 में था, तो इसका एक क्या होगा, डॉलर होगा, इसका एक फॉलो क्या होगा, डॉलर होगा। तो फॉलो ऑफ जब मैं ई निकाला तो हमें क्या मिला, डॉलर मिला, तो डॉलर के नीचे हम क्या भर देंगे, कौन से प्रोडक्शन में है, कौन सा प्रोडक्शन है, ये फर्स्ट प्रोडक्शन, तो फर्स्ट प्रोडक्शन में 5वें सेट के नीचे डॉलर के नीचे R1 डाल देंगे। अब क्या देखते हैं, क्या इसका ए भी होगा फॉलो, ए होगा क्या इसका फॉलो, नहीं इसका फॉलो ए होगा क्या, मैं अगर निकालूं फॉलो ऑफ ई तो फॉलो ऑफ ई क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है, नॉन टर्मिनल हमें मिल गया, कहां से ए होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। डॉलर R1 हमने फिल कर दिया और हमें कुछ नहीं करना, पहले क्या करते थे LR0 में, सब में फिल किया था। अब हम चलते हैं किसमें, सेकंड वाले में, इसकी बात करते हैं, इसका फॉलो अप टी निकालते हैं, इसका भी स्टार्टिंग सिंबल, हम स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्टिंग है, पहली बार तो डॉलर होगा, डॉलर के अंदर ही हमें क्या होगा, अब डॉलर की ये कौन सा I6 है, ध्यान देना ये I6 है, तो I6 डॉलर के नीचे भी हमने क्या कर दिया, सेकंड प्रोडक्शन है हमारा, सेकंड प्रोडक्शन में R2 लिख दिया I6 के नीचे, ठीक है, यही कहानी सेम किया है। अब ध्यान से देखो, या A और B में भी कोई फॉलो इसका आ रहा है, फॉलो ऑफ टी अगर मैं निकालूं, क्या A आ रहा है, B आ रहा है, नहीं, क्योंकि फर्स्ट आ रहा है इसका, फॉलो ऑफ टी यहां पर भी किया तो उसके राइट साइड में फॉलो, फॉलो क्या होता है, राइट साइड का जो आंसर होता है वही हमारा क्या होता है, फॉलो होता है, यहां पर भी नहीं है, R2 कर दिया। सेम कहानी में I4 में करूंगा, तो ये कौन सा प्रोडक्शन है, थर्ड प्रोडक्शन, जैसे मैंने देखा स्टार्टिंग सिंबल यहां पे टी है, तो क्या सिर्फ डॉलर मिला, R3 बढ़ गया, ये हमारा SLR का टेबल बन गया, क्योंकि ये भी मुझे मिला ही नहीं, कहानी खत्म हो गई सब, ठीक है। तो अब हमारी यहां पर कहानी खत्म जैसे हुई, ये अब डॉलर मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ रहे हो, डॉलर जैसे यहां पर, ये कहानी जैसे ही खत्म हुई, अब हम सीधे किस पे आ गए, ये हमारा SLR टेबल हो गया। LR में क्या करते थे, सब में फिल कर देते रिडक्शन फॉर्म, लेकिन SLR में क्या करें, रिडक्शन फॉर्म सिर्फ सिलेक्टेड फॉर्म में फिल करें, ठीक है, ठीक है ना। तो ये और ये हमारी पूरी कहानी, ठीक।
हमें फॉलो निकाल लेना होता है, और जो हमारा फॉलो का आंसर आता है उसमें हम उस रिडक्शन वाइज प्रोडक्शन वाइज जितने प्रोडक्शन क्रिएट कर देते हैं उस प्रोडक्शन रूल के वाइज हम क्या कर देते हैं उसमें फुलफिल कर देते हैं, और हमारा जो टेबल जनरेट होता है वही एसएलआर टेबल होता है एलआर के साथ। ठीक है, अगर आपको एलआर आ गया तो एसएलआर भी आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ मैंने क्या कर दिया, एसएलआर का भी टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं सीएलआर। पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट था एलआर, अगर आपको सीएलआर आ गया फिर एलएलआर भी आ जाएगा। ठीक, तो सीएलआर। ठीक, चलते हैं सीएलआर। देखो अब हम बात करेंगे इसकी सीएलआर की। सीएलआर वन ये एलआर वन आइटम्स है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैनोनिकल एलआर एलआर वन आइटम्स। ठीक है, अब यहां पर कहानी क्या होगी। एलआर जीरो में हमने क्या किया था, मैंने अभी एलआर वन की बात की, अभी तक एलआर जीरो की कहानी चल रही। एलआर वन में हमें क्या एडिशनल चीजें करनी पड़ती हैं। एलआर वन जो होता है वो मैं बता दूं, वो होगा एलआर जीरो प्लस लुक अहेड सिंबल का कॉम्बिनेशन। अब ये लुक अहेड सिंबल क्या है, ये लुक अहेड सिंबल क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। पहले तो हमें क्या सेम कहानी करना है, एलआर जीरो के साथ ही कहानी हमें क्रिएट करना है। अब एलआर जीरो ठीक है, मैंने सेलेक्ट तो कर लिया एलआर जीरो को बनाना, लेकिन फर्स्टली हम लुक अहेड सिंबल को कैसे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट कौन सा लुक अहेड सिंबल लेंगे वो भी हम देखेंगे कि कैसे हमें लुक अहेड सिंबल। सिर्फ सब कहानी वही रहेगी सीएलआर वन में, सीएलआर वन में सब कहानी वही रहेगी, बस एडिशनल चीजें क्या हो जाएंगी, लुक अहेड सिंबल। और इसका आपको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि एलआर जीरो में आपको फायदा नहीं मिल रहा था कि हमें यहां पर हम फर्स्ट फॉलो निकालना पड़ता था जब हमने एसएलआर की बात किए थे, लेकिन लुक अहेड सिंबल का कुछ फायदा भी है, और यहां पर ये एडिशनल इसी का कॉम्बिनेशन एलआर जीरो और लुक अहेड सिंबल का ये एलआर वन कहलाता है। ठीक है, चलते हैं लुक अहेड सिंबल, जानते हैं कि लुक अहेड सिंबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मुझे कोई वही पुराना एग्जांपल जो हमने लिया था वही एग्जांपल लेते हैं, उसी से हम टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल इसका पार्सिंग टेबल सीएलआर का भी और एलएलआर का भी, और पूरी तरीके से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलते हैं भैया। देखो अब ध्यान देना, मुझे लुक अहेड सिंबल कैसे करना है, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये कोई हमारा प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन दिया हुआ है, ऐसा मैंने बोला ETABCD दिया हुआ है ऐसा, या TA ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मुझे कैसे इसका लुक अहेड सिंबल दिखाना है, जो फर्स्टली हम लुक अहेड सिंबल वो अब हम मानेंगे वो डॉलर होगा। ठीक है, डॉलर से क्रिएट करेंगे पूरा हर चीज, लेकिन इसको कैसे करेंगे तो ध्यान देना, डॉट टी है तो हम टी मूव किए हैं, तो टी मूव के राइट साइड को देखेंगे कौन सा नॉन टर्मिनल है वहां पर, उस नॉन टर्मिनल का हमें फर्स्ट ऑफ निकालना, जो फर्स्ट ऑफ आएगा वही उसका लुक अहेड सिंबल होगा, उसी लुक अहेड सिंबल को हम साइड में लिख देते हैं, और सेम वही जो एलआर जीरो में कहानी चली थी वही हम करते हुए चलते रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का को ऐड करना होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ई डैश क्या करूंगा, ये ई को ऐड करूंगा। ठीक है, अब यहां पे कहानी होगी, अब ध्यान से सुनो, सिर्फ सेम हमें कहानी लेके चलना है, ध्यान से देखना, छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि यहां पर जो होगा हमारा स्ट्रक्चर 10 बनेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, ध्यान देना है, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर हमें सीएलआर में ही बनता है, तो सीएलआर की कहानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले की बात करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ई डैश डॉट ई। अब ध्यान देना, ई डैश डॉट ई ये तो हमारा एलआर जीरो आइटम है, लेकिन हमें ऐड भी क्या करना है, ऐड भी कुछ करना है, लुक अहेड सिंबल, और सबसे पहले हम लुक अहेड सिंबल क्या लेंगे, डॉलर। जो सबसे पहले हम क्या लेंगे स्टार्टिंग फेज में, वो क्या लेंगे, डॉलर। अब डॉलर के बाद देखेंगे ई के बाद जो हमने ई मूव किया है यहां पर, जब ई के बाद देख रहे हैं क्या ई के बाद कोई है क्या कोई टर्मिनल, है क्या कोई टर्मिनल। अब मैं ई की बात करूं, यहां पे ई की बात करूं, तो ई के बाद कोई टर्मिनल है नहीं है, तो मतलब यहां से ई की बात करूंगा, ई की बात करूंगा, जैसे अब यहां पे ई है, ई की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, डॉट टी टी, डॉट टी टी। अब ई की बात थी अभी तक, ई के बाद तक अभी तक कहां तक चला, डॉलर तक, लेकिन अब मैं जैसे ही टी आया, ये नॉन टर्मिनल है, टी आया, टी का मूव मैंने किया डॉट ए टी, यही किया ना, डॉट ए टी, और देख रहा हूं जब मैंने टी डॉट इसके बाद किया तो इसके राइट साइड में क्या मिला, टी मिला कि नहीं, और टी का अगर मैं फर्स्ट निकालूं तो मुझे ए और बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ए और बी इसका फर्स्ट मिलेगा, तो हमने इसका फर्स्ट क्या लिख दिया, लुक है सिंबल हमारा क्या हो गया, ए और बी। ध्यान से देखना, अभी तक डॉलर चल रहा था, जब तक कहानी कुछ नहीं, जब तक कहानी कुछ नहीं थी डॉलर चल रहा था, और जैसे ही मैंने देखा टी के बाद नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल का फर्स्ट क्या था, ए और बी, तो ए और बी लिख दिया मैंने। अब सेम कहानी में क्या कर दूंगा, टी के साथ डॉट बी भी, इसका भी क्या होगा, ए और बी, क्योंकि ये कहानी इसकी चली, ये हमारा क्या बन गया, आई नॉट। सब कुछ सेम करना है, बस क्या करना है, लुक अहेड सिंबल इसमें ऐड कर देना है। लुक अहेड सिंबल क्या है, फर्स्ट निकाल दो उसका, जो उसके राइट साइड में हमें नॉन टर्मिनल मिला हुआ है। ठीक है, चलते हैं, अब हम चलते हैं किस पे, अब किस पे चल रहे हैं, अब यहीं से मूव करते हैं, यहां से मूव मैंने क्या किया, ई मूव किया। जैसे मैं यहां पे ई मूव कर रहा हूं, तो डॉट कहां चला जाएगा, वहां पे चला जाएगा, ई डॉट कहां, ई डॉट हो गया, चेंज होगा क्या, ये डॉलर डॉलर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, यहीं पे ऐसे रहेगा, ये हमारा कहानी। अब मैं यहां से क्या करूंगा, टी मूव करूंगा, ये हमारा आई नॉट हो गया, ये हमारा आई वन हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, टी मूव करूंगा, टी मूव यहां पे कर रहा, जैसे मैंने यहां पे टी मूव किया, कहानी ऐसी कुछ हो गई, टी डॉट टी, टी डॉट टी। अब ध्यान से देखो, टी डॉट टी के बाद कहानी, अब मैं टी के बाद देख रहा हूं कुछ है क्या, कुछ नहीं, तो मतलब डॉलर इस, ये तो डॉट के साथ रहता है, टी के बाद कुछ है, इस टी के बाद कुछ नहीं है, तो इसका क्या हो गया कहानी, डॉलर। ध्यान से देखना, सब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर इस टी के राइट साइड में कोई होता नॉन टर्मिनल, फिर उसका मैं फर्स्ट निकालता, लेकिन कुछ नहीं है, डॉलर लिख दिया मैंने। ठीक है, जिसका कुछ नहीं हो डॉलर होगा इसका, बस वहां पे हम फर्स्ट डॉलर लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, टी का लिखेंगे, तो टी का क्या आ जाएगा, डॉट ए टी क्या है, डॉलर, फिर टी डॉट बी क्या है, डॉलर, ये हमारा क्या बन गया, आई टू, टी मूव करने के बाद अब हमारे हैं कहां पे, ए मूव करेंगे। ध्यान से देखो, ए मूव हमने किया तो कहानी कुछ ऐसी हुई, ए डॉट टी, ध्यान से देखो, ए मूव किया हमने तो कहानी कुछ कैसी हुई, ए डॉट टी, ये डॉलर था तो डॉलर हमने लिख दिया है, ए मूव किया डॉट के बाद हमें क्या मिला, सॉरी, जैसे मैंने ए मूव किया है, टी मूव नहीं किया है, या ए मूव किया है तो हमें राइट साइड में क्या मिला, टी नॉन टर्मिनल है, ए मूव ए के राइट साइड में क्या मिला, या टी मूव किया था उसकी कहानी का था तो डॉलर ही था, लेकिन यहां ए मूव किया और यहां पर ए बी ही है कि नहीं है, यहां पर टी टी का बात किया तो क्या आया, ए और बी आया, फिर हमने क्या किया, ये ए डॉट टी किया, फिर किसकी बात आई, टी की बात आई, डॉट ए टी किया, फिर टी डॉट बी किया, सबका क्या आ गया, ए और बी, ये फर्स्ट हमने निकाला इसका, ठीक, ये मिल जाता यार, ठीक है, ये कुछ ऐसा आया, ए मूव करने, और बी मूव हमने जब किया, बी मूव किया तो क्या आ गया, टी बी डॉट, डॉट के बाद कुछ मिला नहीं, ए बी था, ए बी था तो ए बी हमने लिख दिया, बी डॉट था तो पहले से हमारा इसका फर्स्ट निकाला हुआ है, इसका लुक अहेड सिंबल ए बी हमें मिला हुआ है, तो ए बी हमने कर दिया यहां पर, इसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया यहां पर। ठीक, राइट साइड वाले नॉन टर्मिनल को देखना है, टी मूव के बाद हमें डॉलर मिला था, हमने डॉलर लिखा, यहां पर ए बी मिला ए बी लिख दिया, यहां पर ए बी मिला तो ये, अब हमारे पास आई टू हो गया, ये आई थ्री हो गया, ये आई फोर हो गया, स्ट्रक्चर ही बना तो लोगे, इसका स्ट्रक्चर बना लिया तो 90% काम कंप्लीट हो जाएगा। CLR का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, CLR का सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, और इसी लुक अहेड का भी देखना कितना आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, यहां आप साथ में लेते चल रहे। अब ध्यान से देखो, ये फाइनलाइज हो चुका है आई वन और आई फोर, चलते हैं किस पे, आई टू पर। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टी मूव कराया हमने फिर से, तो क्या हो गया, टी किस पर गया, टी टी डॉट पे, डॉट के बाद कहानी कर रहा डॉलर, मतलब यहां पे इसकी कहानी क्लोज हो गई, क्लोज हो गई कहानी। अब यहां पे हम सीधे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अब यहां पे मैंने क्या किया, ए मूव कर लिया, ए मूव जैसे ही कराया टी का, तो ए डॉट टी आया, अब ए डॉट टी के बाद देखो कहानी क्या है इसका, लुक अहेड सिंबल हमें क्या मिला है, डॉलर मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि नॉन टर्मिनल हमें क्या है, यहां पर डॉलर देखो
देखो फिर नॉन टर्मिनल है, लेकिन यहां पर जो हमें सिंपल लुक एंड सिंपल है उसको भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि फर्स्ट तो हमने पहले इसको दिखा चुका है ना इसके बारे में कि यहीं से स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो ये क्या हुआ है हमें डॉलर मिला। हमें अलग अलग स्ट्रक्चर को भी देख कर देखना होगा, और यहां से मैं जब गया तो यहां से और यहां से मुझे जो लास्ट वाला मिला जब मैंने बी मूव कराया इसका, इसका जब मैं बी मूव करा रहा हूं, इसका बी मूव करा रहा हूं, तो क्या मुझे मिला टी बी डॉट लुक अहेड सिंबल चेंज है इसका। इधर देखो कहानी आप बोलोगे क्या ये i4 है, ये i5 है, ये i6 है, ये i7 है, आप बोलोगे ये और ये सेम है क्या? ना, यहां देखो लुक अहेड सिंबल इसका डॉलर है, इसका ए बी है, यही तो चेंजेस है। आपने वहां पर क्या किया था जब आपने उसकी कहानी की थी, तो यहां वहां पर क्या हुआ था, आपको सेम चीजें मिल गई थी, लेकिन यहां पर ये सेम नहीं मिल रहा है, यहां पे लुक अहेड में चेंजेस है, यहां पर ए बी है, यहां पर डॉलर है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। सॉरी ए डॉट टी लिखा था तो मैंने इसके बाद कुछ और भी कहा, अरे यार थोड़ी सी चेंजेस है, मैंने ज्यादा जल्दी में कर दी, ए डॉट टी किया था तो यहां पे टी बचा था, तो टी की भी कहानी तो हमें लिखनी थी, टी क्या होगा डॉट ए टी डॉलर आता, ठीक है, डॉट ए टी आता, डॉट ए टी आता, और क्या आता टी डॉट बी डॉलर आता। ये पूरा होता हमारा क्या i6, और ये हमारा जब हम b मूव करते इससे, इससे b मूव कराते ये क्या आ जाता i7 टी बी डॉट डॉलर, ठीक है, ये i7। अब ध्यान से देखो ये यहां तक की कहानी, आते हैं हम इसमें i3। अब यहां देखो, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फिर से मैंने क्या करा है t से a डॉट टी है, फिर इससे t मूव कराऊंगा मैं, जैसे ही t मूव कराया इसने तो क्या हो गया टी ए टी डॉट, यही मिलेगा टी ए टी डॉट, और हमें लुक अहेड सिंबल क्या मिल रहा है टी ए टी डॉट के बाद हमें लुक अहेड सिंबल क्या मिला ए और बी, ठीक है, टी ए टी डॉट के बाद हमें लुक अहेड सिंबल क्या मिला ए टी डॉट ए और बी, और जब मैं इसकी बात किया यहां पर कहानी ये खत्म हो गई, i8 मिल गया मुझे। और जब मैंने इसकी बात किया तो टी ए डॉट टी, ए डॉट टी और ए और बी मिला, टी ए डॉट टी, ए डॉट टी और क्या मिला ए और बी मिला, हां ए मूव कराया मैंने, क्या मिला टी ए डॉट टी ए और बी मिला, ये देखो। फिर हमने टी मूव कराया डॉट ए टी मिलेगा और ए और बी मिलेगा, फिर टी मूव कराऊंगा तो क्या मिलेगा बी डॉट मिलेगा ए और बी मिलेगा, यही सेम कहानी, यही तो है सेम है, तो मतलब सेल्फ मूव कर गया, सेल्फ मूव कर गया, तो हम क्या करेंगे टी को ए ऐसा कर देंगे, ए पे खुद आके गिर, ए मूव कराया तो खुद i3 पे ही आके फिर से गिर गया, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम बात करते हैं टी बी डॉट ए बी, तो ये देखो ये कहानी हो गई, यहां पे आके गिर गया, बी डॉट करेंगे ए बी तो होगा लुक है, ए बी तो होगा लुक है, मतलब यहां से क्या होगा जब हमने बी मूव कराया तो i4 पे आके गिर गया, कहां से i3 से i4 पे आ गया, सेम है कहानी। अब देखो मुझे फाइनल आंसर मिल गया क्या, नहीं अभी फाइनल आंसर मिले क्या हमें, हमें फाइनल आंसर मिले नहीं मिले, अभी एक ये बाकी है i6 वाला, चलते हैं इस पे। जैसे मैंने इसको मूव कराया यहां पे टी मूव कराया, जब हम यहां पे टी मूव कराए तो क्या मुझे मिल गया टी ए टी डॉट और डॉलर। आप बोलोगे कि अब यहां पे कहानी खत्म है, ये देखो ए टी डॉट, यहां ए भी लुक अहेड है लेकिन यहां पे डॉलर है, ठीक है, यहां पे डॉलर है, तो डॉलर की कहानी अब ये अलग है, ये और ये अलग है, ये हमारे क्या बन गया i9, ठीक है। अब जैसे फिर मैं करूंगा ए डॉट डी ए डॉट टी डॉलर, तो ये यही पे आ जाएगा, मतलब ए डॉट टी जब मैंने ए मूव करा तो फिर से ये सेल्फ मूव कर गया, ए डॉट टी करूंगा डॉलर आएगा, फिर से यही कहानी होगी, फिर बी डॉट डॉलर किया, जैसे बी डॉट डॉलर किया तो डॉलर वाली कहानी कहां है बी की, ये i7 पे आके गिर गया, ठीक है। टोटल हमारी स्ट्रक्चर कितनी हुई, 9 स्ट्रक्चर बनी, टोटल स्ट्रक्चर कितनी हुई 9 स्ट्रक्चर, सॉरी 10 स्ट्रक्चर बनी, और LR0 में कितना बनाएगा, LR0 में कितना 7, और इससे इसमें कितना बना है 10, तो मतलब 3 ज्यादा है इसमें, 3 ज्यादा वो किसके वजह से, यही जो हमारा लुक अहेड था उसी लुक अहेड सिंबल की वजह से क्या हो गया ज्यादा हो गया, और इसी लुक अहेड से ये स्ट्रक्चर को लिख लो अच्छी तरीके से बना लो, और इसी लुक अहेड सिंबल से हम पूरा देखो पार्सिंग टेबल कैसे CLR की बनाते हैं,
ठीक है, देखते हैं सीएलआर की पासिंग। चलो अब इसमें भी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखते रहना आप लोग जो बनाए हुए हो, ठीक है। अब देखते हैं, हम देख रहे हैं कि आई नॉट से कहानी क्या हो रही है, तो देखते हैं वही पार्सिंग टेबल। ये एक्शन गो टू, ये रो है, ये हमारा क्या है, ये सेट है आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन, आई एट, नाइन। गो टू है जिसमें नॉन टर्मिनल है, इसमें टर्मिनल है, ठीक है। पहले हम नॉन टर्मिनल की कहानी देखेंगे, सेम वैसे देखेंगे आई नॉट से आई वन में जब मैंने ई मूव कराया तो कहां पे जाके फाइनलाइज आंसर मिले, मुझे मिला ई आई वन, ठीक है। अब मैंने टी मूव कराया इस पे तो कहां पे जाके गिरा, टू से मैंने टी मूव कराया था, टू पे जाके गिरा था सेट में। अब मैं फर्स्ट पे चलता हूं, फर्स्ट में जैसे ही पहुंचा तो मुझे फिर से वही आंसर फाइनलाइज आंसर ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का मिल गया, मतलब क्या मैं लिख दूंगा एक्सेप्ट, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलते हैं टू पर, डॉलर के नीचे एक्सेप्ट लिख दूंगा, टू पे चलते हैं। टू से कहानी क्या हुई, टू से जब मैंने टी मूव कराया कहानी जाके गिरी आई फाइव, ठीक है। फिर जब मैं टू से ए, और फिर यहां पे नॉन टर्मिनल की बात नहीं, ई से कोई मूव नहीं हुआ, फिर मैं बात करता हूं थ्री की, तो थ्री से मैंने जब टी मूव कराया तो कहानी जाके गिरी आई एट पर, थ्री से जब मैंने टी मूव कराया तो कहानी जाके गिरी आई एट पर, ठीक है। थ्री से जब मैंने टी मूव कराया तो कहानी जाके गिरी कहां पे, आई एट पर। अब मैं फोर की बात करता हूं, फोर से भी कोई मूव नहीं हुआ, जब मैं बात करूंगा किसकी, फाइव का, तो फाइव का भी कोई मूव नहीं हुआ। सिक्स की बात करता हूं, सिक्स से टी मूव कराया तो कहानी जाके गिरी नाइन पर, ठीक है। अब कहां पे, सेवन की बात करता हूं, सेवन से भी कोई मूव नहीं, एट की बात करता हूं, एट से भी कोई मूव नहीं, नाइन की बात करता हूं, नाइन से कोई मूव नहीं नॉन टर्मिनल के लिए, ठीक है, ठीक है। ये कहानी हुई किसकी, जब नॉन टर्मिनल का यूज हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, शिफ्ट की बात करते हैं टर्मिनल को लेकर, ठीक है। चलते हैं, तो अब मैंने जब देख रहा हूं, मैं जीरो से ए मूव करा रहा हूं, जीरो से जब मैंने ए मूव कराया तो जीरो से ए मूव कराने के बाद ये शिफ्ट थ्री पे गई आई नॉट से, और जब मैंने जीरो से बी मूव कराया, जैसे मैंने जीरो से बी मूव कराया तो देख रहा हूं मैं इसकी कहानी जाके गिरी आई फोर पर, मतलब S4 शिफ्ट हुआ। अब मैं देख रहा हूं I1, I1 में तो पूरा एक्सेप्ट हुआ, फाइनलाइज आंसर मिल गया। I2 की बात करता हूं, I2 से मैं देख रहा हूं, I2 से मैंने जब A मूव कराया तो ये कहानी जाके गिरी I6 पर, ये कहानी जाके गिरी किस पे, I6 पर, मतलब ये कहां हो गया S6 पे, ठीक है। और जैसे मैंने I2 से B मूव कराया, I2 से जब मैंने B मूव कराया, B मूव कराने के बाद ये कहानी जाके गिरी I7 पर, मतलब 7 S7 पे, ठीक है। अब मैं चलता हूं I3 पर मैं देख रहा हूं, जब मैंने A मूव कराया तो खुद पे ही आगे गिरा, और जब मैंने I3 से A मूव कराने के बाद ये खुद पे आगे गिरा, और जब मैंने इससे B मूव कराया तो B मूव कराने के बाद ये 4 पे जाके गिरा, ठीक है। ये कहानी थी इसकी। अब मैं 4 की बात करता हूं, 4 में कोई ऐसी कहानी हुई नहीं हुई, तो हम वो रिडक्शन, जब फाइनलाइज मिला था तो रिडक्शन का मैं यूज करूंगा, वो बताऊंगा यहां पर रूल कैसे होगा, ठीक है। वो लुक एड से और सिंपल हो जाएगा इसका। I5 पे चलता हूं, I5 पे मैं जब पहुंचा तो I5 में देख रहा हूं, I5 में भी कोई कहानी नहीं, I6 में पहुंचता हूं, I6 से मैं देख रहा हूं जब मैंने A मूव कराया तो खुद पे आके गिरा, ठीक है। A मूव कराने के बाद तो खुद पे आके गिरा, और जब मैंने B मूव कराया तो वो 7 पे गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं B मूव कराने के बाद 7 पे गया, ठीक है। अब उसके बाद कोई कहानी नहीं इसमें। अब मैं चलता हूं 7 पे, 7 पे कोई कहानी नहीं, 8 पर कोई कहानी नहीं, 9 पर कोई कहानी नहीं। ये थी इसकी शिफ्ट की, ठीक है। अब बात करूंगा मैं रिडक्शन की, रिडक्शन रिड्यूस करके कैसे इसने किया है, ठीक है। अब रिड्यूस करके इसने कैसे किया है तो ध्यान देना, ध्यान दो। अब जो आपने लुक अहेड सिंबल देखा है ना, तो उसी लुक अहेड में जब जिस प्रोडक्शन आप बना लो, तो हमारे पास तीन प्रोडक्शन थे, पहला प्रोडक्शन ETT, दूसरा प्रोडक्शन TAT, तीसरा प्रोडक्शन TP, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यही R1 R2 R3 हमें फिल करना है, ठीक है, R1 R2 R3। अब हमें लुक अहेड सिंबल पर चलना है, क्या करना है, चलते हैं हम I2 पर हम देखते हैं, तो I2 पर हमें लुक अहेड सिंबल में देखो, I2 पे हम कहानी देखते हैं, तो I2 पे मैं देख रहा हूं लुक एट सिंबल सिर्फ डॉलर पर,
तो हमें सिर्फ वही फिल करना है, डॉलर पर है। तो लुक अहेड सिंबल हम यहां पे आई टू में क्या कर देंगे, आई टू में। अब देखो आई टू की कहानी एक बार ध्यान से सुनना, आई टू में हमें कोई फाइनलाइज आंसर मिला है क्या? ऐसे में नहीं कर दूंगा, फाइनलाइज आंसर भी हमें मिलना होगा, तब हमें कोई फाइनलाइज आंसर नहीं मिला है। तो अब हम आई टू में हम कोई फिल नहीं करेंगे, ठीक है, आई टू में हम कोई फिल नहीं करेंगे। अब मैं चलता हूं किसमें हमें फाइनलाइज आंसर मिला है, तो मैं देख रहा पा रहा हूं कि आई फाइव में मुझे कोई फाइनलाइज आंसर मिल रहा है और आई फोर में भी मुझे कोई फाइनलाइज आंसर मिल रहा है। तो आई फोर में देखता हूं, मैं आई फोर में चलता हूं, आई फोर में फाइनलाइज आंसर लुक एंड सिंबल मुझे ए और बी मिल रहा है, ए और बी में, और बी डॉट है, बी डॉट कौन सा प्रोडक्शन है, थर्ड प्रोडक्शन। तो आई फोर में हमें मुझे मिल रहा है बी डॉट पे ही, तो बी डॉट में ए और बी पे क्या करूंगा, थर्ड प्रोडक्शन फिल कर दूंगा, रिड्यूस करके। आई फाइव पर चलता हूं टीटी डॉट फर्स्ट प्रोडक्शन, टीटी डॉट में फर्स्ट प्रोडक्शन किस पे, डॉलर पे है, आर वन फिल कर दूंगा सीधे। बस लुक अहेड सिंबल को देखना है, फिल करना है कौन सा प्रोडक्शन है, कुछ नहीं। सिक्स में चलता हूं, सिक्स में मुझे कुछ मिला क्या, मैं देखता हूं सिक्स में मुझे कुछ मिला क्या, देख रहा हूं सिक्स में भी मुझे कोई फाइनलाइज आंसर नहीं मिल रहा। चलता हूं सेवन में, सेवन में जैसे चल रहा हूं सेवन में देख रहा हूं मुझे फिर से फाइनल आंसर मिल रहा है बी डॉट में, और वो डॉलर पे नहीं मिल रहा है सिर्फ, तो मैं आर थ्री यहां पर कर दूंगा। एट पे चलता हूं, एट पे देख रहा हूं फिर से मुझे सेकंड प्रोडक्शन में मिल रहा है और ए बी पे मिल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा आर टू यहां पर फिल कर दूंगा लुक अहेड सिंबल पे। और फिर जब नाइन पे गया तो नाइन, तो नौवे में देखो नौवे में क्या है, नौवे में देख रहा हूं मैं जैसे मैं देख पा रहा हूं एटी डॉट, एटी डॉट क्या है, सेकंड प्रोडक्शन, सेकंड प्रोडक्शन कहां है, डॉलर देख रहा हूं मैं लुक अहेड सिंबल, तो क्या आर टू फिल कर दूंगा, काम खत्म। यही है इसका सीएलआर, ये पासिंग टेबल है सीएलआर का, थोड़ा वो तो टफ था लेकिन यहां पे आपको कैसे फिल करना है लुक अहेड सिंबल की वजह से। ये देखो ना ये जो रिडक्शन फॉर्म थे ये कितना सिंपल हो गए आपको फिल करने में, यहां पे कितनी सिंपल हो गए ये इसको फिल करने में, ये इसका पूरा पार्सिंग टेबल है सीएलआर का। आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर होगा, अगर आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया तो ये सीएलआर पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ अब एलएलआर में क्या करना है, एलएलआर में आपको क्या करना है, एलएलआर में आपको देखना है कौन सा स्ट्रक्चर मुझे सेम फॉर्म दिया, बस उसके लुक अहेड सिंबल चेंज है, चेंज किसमें, लुक अहेड। तो उसके स्टेट वाइज हमें उनको क्या करना है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करके एलएलआर में, बस इसी पार्सिंग टेबल को दिखा रहा हूं मैं, इसी पार्सिंग टेबल को दिखा रहा हूं, इसी क्वेश्चन के उसमें दिखा रहा हूं कि कौन कौन सा हमें सेम दिख रहा है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं, जैसे इसमें देख पा रहा हूं, तो मुझे एक दिख रहा है, देखूंगा मैं यहां पे, देखो इस पार्सिंग टेबल को बने रहने दो, यहीं से मैं आप एलएलआर की कहानी स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूं तो आप खुद देखो, उसमें देखोगे आई थ्री सिर्फ लुक अहेड सिंबल चेंज है आई सिक्स के, अगर मैं इनको कंबाइन करके मैं बोल दूं आई थ्री सिक्स है, क्या करना है हमें, जो स्टेट है उन्हें को रिड्यूस कर देना है, स्टेट जो है ये 10 बने हैं ना, इनको रिड्यूस कर देना है एलएलआर में। तो आई थ्री आई सिक्स को देखोगे आप तो इसमें क्या है, एक डॉलर है एक एबी है, लुक अहेड सिंबल वही चेंज है। और मैं चल रहा हूं फिर इसमें आई फोर और आई सेवन है, इसमें देखो यही सेम चीजें हैं, कहानी सेम है लेकिन लुक अहेड सिंबल, तो इसको मैं आई फोर सेवन बना दिया, ठीक है, बस रिड्यूस कर रहा हूं आई फोर और आई सेवन को, और देख रहा हूं मैं आई एट और आई नाइन को, कहानी सेम है बस चेंजेस थोड़ा सा है, ठीक है, ठीक है, बस लुक अहेड सिंबल क्या है इसमें चेंज है। अब इन्हीं को मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो जहां पे आपको इसी पार्सिंग टेबल को कैसे कर, थोड़ा अगर 90 मैं बता रहा हूं ना, सीएलआर आ गया आपको तो एलएलआर भी आ गया, सीएलआर का काम है 90% एलएलआर, सीएलआर 90% इसका एलएलआर का है, तो सीएलआर आ गया, चले तो आपको क्या करना, देखना है सेम क्या क्या है, सेम बस लुक अहेड सिंबल को नहीं देखना है, उसके स्ट्रक्चर जिसने टर्मिनल नॉन टर्मिनल का ग्रामर का बनाया हुआ है वो क्या क्या सेम है, उन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो जहां थ्री है वहां सिक्स ऐड कर दो, थ्री सिक्स, और सिक्स जहां है वहां पे भी थ्री ऐड कर दो, थ्री सिक्स कर दो, ठीक है, और जहां से ये फोर है फोर सेवन कर दो, यहां सेवन है फोर सेवन कर दो, ठीक है, और एट नाइन कर दो, एट नाइन कर दो, ठीक, कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले ये कर दो, अब आपको टेबल रिड्यूस करना है इसमें से टेबल। अब जब मैंने इतना कर दिया जब, तो अब तो हमारा ये बन गया, अब हमें टेबल कैसे रिड्यूस करना है, ये देखो 36 किया है, 36 किया है, अब 36 में चलते हैं, यहां पर चलते हैं, चेंजेस क्या दिख रहा है, कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या, कुछ चेंजेस दिख रहा है। अब यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी जहां पे 89 है 89 कर दो, जहां पे 8 था 89 कर दो, और जहां पे 8 था 89 कर दो, ये 9 था 89 कर दो, ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा, जो जो है बस आप
आपको ये यहां पे भी 36 कर दो, 36 कर दो, शिफ्ट में भी कर दो 36 47, बस आपको रिड्यूस में नहीं करना। क्यों रिड्यूस में नहीं करना, ये क्यों? वो फाइनलाइज आंसर दिए हैं मुझे, रिड्यूस में मुझे कुछ नहीं करना और उन्हीं को फिल कर देना है। वो डिडक्शन फॉर्म है, वो डिडक्शन फॉर्म का मतलब है टी डॉट ए डॉट ए टी डॉट बोला, ये मुझे ए का फर्स्ट के उसके लुक अहेड सिंबल से आए हैं, इसलिए मुझे वहां पे रिड्यूस में चेंजेस नहीं करना है। कि 36 रिड्यूस में भी कर दो ना, सिर्फ शिफ्ट में करना है। यहां पे भी 36 47 36 47 36 47, ठीक है, बस हाँ रिड्यूस में नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, एक 36 को पकड़ लो, एक एक को पकड़ लो, एक 36 को पकड़ो, मैंने इसको पकड़ लिया, अब देखो दूसरा 36 को पकड़ो, इसको पकड़ लिया, चेंजेस क्या है, यहां पे 36 यहां पे भी 47, ये कोई चेंजेस नहीं, यहां पे कोई चेंजेस नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा सकता हूं, यहां पे भी 8 नहीं, तो एक को मैं हटा सकता हूं, कहानी तो वही है, सेम है, एक को मैंने हटा दिया, एक को मैंने हटा दिया। आते हैं दूसरे पे 47 पर, क्योंकि कहानी तो सेम ही थी, ये भी सेम, ये भी सेम, तो मतलब एक को मैं हटा सकता हूं, डबल रखने की क्या जरूरत है। 47 की बात कर, R3 में नहीं रखना है, रिड्यूस में नहीं रखना है, फिर से बोल R3 ठीक है, ये R3 है, R3 है 47, यहां देखो यहां 47 R3, इसको यहां पर मूव करा, अब ये खाली हो गया, अब ये खाली हो गया, हटा दो इसको, हटा दो इसको, 8 9 8 9, अब क्या करना है, 8 9 यहां पे R2 है, R2 को इधर मूव करा, इसको हटा दो। अब हमारे पास स्टेट कितने बचे, देखो काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कि नहीं, स्टेट कम हो गए, रिड्यूस कर दिया मैंने, और यही होगी LA LR की पार्सिंग टेबल। ये थी कहानी LR, क्या किया मैंने, सिर्फ रिडक्शन फॉर्म के इसमें चेंजेस नहीं किया, क्योंकि वो हमारा फाइनलाइज आंसर दिया, और सबने शिफ्ट में जहां जहां कहानी थी उसको चेंज कर दिया, और सेम मैंने CLR से LLR की कहानी बना दी। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जहां पे मैंने LR0 की बात की, और SLR की बात की, और आपकी CLR1 की बात की, और LLR की बात की। यहां से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना, और जो मैंने क्वेश्चन भी उठाया ना, गेट में 3 बार आ चुका है, गेट के एग्जाम में 3 बार आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया। ये थी इसकी पार्सिंग टेबल, ठीक, तो इसलिए आप लोग इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इसको, एक दो, ठीक है, तो इसको मतलब, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आने वो यार थियोरेटिकल है, सिमेंटिक वगैरह सब थियोरेटिकल है, तो मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगा भाई, थियोरेटिकल पे मैं फोकस थोड़ा भी नहीं करूंगा, मैं उन्हीं को बताऊंगा जो कॉन्सेप्चुअल होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, ऐसे में ऐसे नहीं बता पाऊंगा, ठीक। अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी डालना है, और सेकेंड ईयर वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डा और ऑटोमेटा की, वो भी डालना है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है भाई, ठीक है ना। तो ये थी कहानी पूरी इसकी बॉटम अप की, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।